अब देखिए, ईरान की तरह ही पाकिस्तान भी बर्बादी के मुहाने पर है और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हर जगह फौज तैनात कर दी गई है। वजह जानना चाहते हैं तो इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। कराची में कोहराम, पेशावर में तनाव है, लाहौर में संग्राम है और इस्लामाबाद में तो जंग जैसे हालात। पाकिस्तान का सबसे लेटेस्ट सूरत हाल यही। ये सिर्फ तस्वीर और तकरीर नहीं है, ये जिन्ना के मुल्क की बर्बादी की मुनादी। पड़ोस के मुल्क में एक बार फिर बगावत की भयंकर आग लग चुकी है और ये आग क्यों लगी है ये भी समझ। असल में इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से हजारों की भीड़ इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, जिसके बाद से ही शहबाज हुकूमत का हलक सूख चुका है। पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरान समर्थकों और पाकिस्तानी फौज के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। एक तरफ नियाजी समर्थक थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द एक दूसरे का सिर फुटव्वल कर रहे थे। नियाजी समर्थकों के इस्लामाबाद कूच के बाद से ही शरीफ खानदान से लेकर रावलपिंडी के फर्जी जनरलों को महीने भर पहले का मंजर याद आने लगा है। लिहाजा इमरान समर्थकों को रोकने के लिए हाईवे पर कंटेनर रख दिए गए, इस्लामाबाद पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद को पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि राजधानी के केपी हाउस में पाकिस्तानी फौज ने जबरन घुसकर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया। गंडापुर ने पिछले महीने इमरान खान की रिहाई न होने पर जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान किया था। पाकिस्तानियों सुन लो, एक से दो हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो, तैयार हो, हक के लिए तैयार हो। मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। पड़ोस के मुल्क में अब ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने तमाशा बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर को SCO समिट होनी है।